Good, ji. Good Very job, nice. Team B. Team B, good going. And Team A is a wonderful team, but I'm feeling कि उनके type के सवाल नहीं आए उनके पास. तो मैं मुझे लगता है मेरे वाले सवाल इन की टाइप के नहीं थे ना, दोनों सवाल किताब का नाम और फिर जो अभी हमने सफरनामे का पूछा, मोर रिलीजियस जो सवाल है उसके जवाब आप, आपने ज्यादा देखिए मेरे पास ये वाला भी जो सवाल है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं ये पूछ सकती हूँ टीम बी से फिर आप. मुझे तो ये लग रहा था मैं ये सवाल कर लेता हूँ टीम बी से. चलिए आप डिसाइड करें. दोनों ही मुश्किल है. नहीं इतने मुश्किल नहीं, ये तो बहुत इजी है. टीम बी से मैं ये टीम ए से पूछती हूं. ठीक है जी, टीम बी मैं आपसे सवाल करूंगा. मुझे नहीं मालूम किसके लिए आसान था, बट मैंने इसलिए ये नहीं पूछा कि शायद रिलीजियस क्वेश्चन जो आएगा उसका जवाब आप दे पाएंगे. टीम बी आपसे सवाल ये है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा. हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत मशहूर उनका नाम है, रहमतुल्लाह अलैह का मजार कहां पर है? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं. बहुत पॉपुलर हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार कहाँ है? अजमेर शरीफ, दिल्ली, आगरा, कलियर. पहले उन्होंने कहा अजमेर में तो हो नहीं सकते, अजमेर शरीफ तो मना कर दिया उन्होंने. ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में है. नेक्स्ट क्या है जी क्विकली? कलियर. टाइम अप. आपका जवाब गलत. कलियर में अलाउद्दीन साबिर रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका दरबार मजार बहुत मशहूर है. सही जवाब है दिल्ली. दिल्ली में इनका मजार है. जिस तरह बॉम्बे में पिया हाजी अली जो है उनका बहुत पॉपुलर है, अजमेर में अजमेर शरीफ वाले जो हमारे सरकार ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती. जी जनाब, अब है टीम ए से इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन. यकुम रमजानुल मुबारक, तसव्वुफ के जो चार मशहूर सिलसिले हैं उन सिलसिलों में से किस सिलसिले के पेशवा की तारीख विलादत है? बहुत आसान, ये बहुत आसान. सिलसिलाए चिश्तिया, सिलसिलाए कादरिया, सिलसिलाए सोहरवर्दिया या सिलसिलाए नक्शबंदिया. यकुम रमजानुल मुबारक तसव्वुर के जो चार सिलसिले हैं तसव्वुफ के, उनमें से किस मशहूर सिलसिले के पेशवा की तारीख विलादत है? आप बेशक नाम ना बताएं, ऑप्शंस में से आपने बताया, अगर ये नाम बता देंगे तो वो नेचुरली सही हो जाएगा जवाब. हर रमजान की ट्रांसमिशन उनका जिक्र भी होता है. टाइम नहीं जनाब, टाइम काउंट कीजिए. नक्शबंदी, 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 सिलसिला नक्शबंदी आपने कहा और ये जवाब बिल्कुल गलत. ऑडियंस से कह दिया गलत, ऑडियंस से जवाब आया गलत. सिलसिलाए कादरिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र हम हर ट्रांसमिशन के पहले दिन. और फिर बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत, एक तो अल्लाह के बुजुर्ग बने. क्यों इमरान भाई, आपके वाकयात कहानियां, बच्चों कितना नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कितना नाम है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में फैज उनका नाम है माशाल्लाह, और सारे तसव्वुफ के सिलसिले सब उनके जाके जुड़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे लग रहा था कि इस सवाल का जवाब इनको नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ चाह रही थी मैं ये बी से पूछूं, शायद वो आपके वाले सवाल का दे देते. मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ज्यादा आसान है, बहुत आसान. सिलसिला कादरिया ना याद रहता, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश तो सबको मालूम है. ठीक है जनाब, राउंड टू की जाने बढ़ेंगे. राउंड टू में आप सब जानते हैं पासा पलट भी सकता है और अक्सर पासा पलट जाता है. ये देखिए हमने स्क्रीन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो मजार है जहां पे वो मौजूद हैं, तदफीन हैं, उनका दरबार जो है यहाँ पे लोग जाते हैं. बगदाद में बहुत मशहूर जगह है और बड़ी मशहूर शख्सियत है. इनफैक्ट परसों राबिया अनम ने उनकी एक कहानी, एक वाकया यहाँ पे सुनाया कि उनकी वालदा ने जो जेब में पैसे छुपा के रखे तो किस तरह अंदर और सच बयान और करने पर डाकू मुसलमान हुआ. ये देखिए जी, हमारे वो जब सफर में थे तो उनके जो कमीज के अंदर 40 दिनार सिले हुए थे तो डाकू आए और डाकुओं ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? कहा मेरे पास 40 दिनार हैं. डाकुओं ने कहा तुम्हारा तो लगता ही नहीं है तुम्हारे पास कुछ है. वो चले गए. फिर इसी तरह होता गया. उस बच्चे के बार बार कहने पर कि मेरे पास 40 दिनार हैं, उसे डाकुओं के जो लीडर थे उसके पास लेकर जाया गया कि इस बच्चे के पास है कुछ नहीं लेकिन ये बार बार कह रहा है 40 दिनार हैं. तो उसने लीडर जो था डाकुओं का उसको बताया कि मेरी कमीज के अंदर वालिदा ने सी दिए हैं. तो डाकू ने कहा कि तुमने सच क्यों बताया, तुम्हें तो हम जाने देते. उसने कहा क्योंकि वालिदा ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना.
तो डाकू उसकी इस बात पर इतना इम्प्रेस हो गए, मुतासिर हुए, से कहा कि तुमने अपनी माँ को भी नाराज नहीं किया, उनकी भी बात मानी, हम तो जो काम कर रहे हैं हम तो अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं, हम उनके फरमान की जो है वो हम वो ईमान ले आया था उसकी। चले रावे बच्चों का सेगमेंट तो आपका हो गया यहाँ पे, हो गया आज खत्म हो गया भाई। ये शख्सियत है कि उनकी छोटे छोटे वाकयात से हमें जिंदगी के सबक मिलते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सही है जनाब। राउंड 2 बजर राउंड है, इस पर याद रखिएगा, अगर आपने बजर दबा दिया और जवाब ना दिया या गलत दिया तो आप लोगों की माइनस मार्किंग होगी, माइनस 10। मैं चाहूंगा कि हम पहले राउंड का रिजल्ट भी यहां पे बता दें। टीम ए के हैं 10 पॉइंट्स, तालियां बजाइए 10 पॉइंट्स के लिए, और टीम बी के हैं 20 पॉइंट्स। तो जनाब 20 पॉइंट्स लीड कर एक गलत जवाब और आप दोनों सेम पॉइंट्स पर आ जाएंगे, माइनस 10। सो बी वेरी केयरफुल एंड करेक्ट आंसर्स के ऊपर आप सबकत ले जा सकते हैं। टीम बी सब जीत रही है और मैं ये चाहूंगा कि सवाल समझ आ जाए। हमें ये लगता है कि बजर दबाने की जल्दी होती है, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि क्या है इसका जेस्ट तो उस पे आप बजर दबा सकते हैं। सही है जी, कुछ आसान और कुछ बहुत मुश्किल भी जी। बिस्मिल्लाह। सुल्तानुल आरिफीन जंग के किस मशहूर बुजुर्ग का लकब है? सो इजी सुल्तानुल आरिफीन जंग के टाइम जंग के इसमें टाइम किस मशहूर बुजुर्ग का लकब है? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह। इतने पॉपुलर हस्ती सुल्तान बाहू, सुल्तानुल आरिफीन, और जिनका विर्द अल्लाहू जिनका विर्द है, और वो अक्सर जब आप उस मज़ार पे अगर कभी हाजिरी दें तो वो अल्लाहू का एक स्टिकर देते हैं कि भाई अपने सामने लगाएं, घर में रखें और हमेशा अल्लाहू का विर्द करें। फसी भाई जी जो कलाम पेश करते हैं और वो कितनी खूबसूरती से अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हू, ये सुल्तान बाहू का कलाम है जी। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। वैसे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि इसमें नाम भी उनका था सुल्तानुल आरिफीन, वाज सो इजी सुल्तान बाहू। जनाब सवाल यह है कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम बताइए। टीम ए नुमान बिन साबित। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। गुड गुड करेक्ट, वेरी नाइस। टीम बी वाज वेरी क्लोज लेकिन टीम ए उसने बड़ी कमाल अकल का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा रुको मुझे लफ्ज़ सुनने दो के पूछ क्या रहे हैं। बहुत आसान, टाइमिंग मैटर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां का विसाल किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में हुआ? टीम बी बी किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में रसूल अल्लाह का विसाल हुआ? हजरत बीबी आयशा। या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूल अल्लाह का विसाल हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आज मुंह छुपा लेना था, मैं कहीं छुप जाती नहीं, कुछ सोच के जवाब दिया। हाँ। सोच के जवाब दिया, मुझे कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो जवाब ना दे सके। जी बहुत शुक्रिया। हमने लास्ट शो देखा है उसमें उन्होंने सूरह यासीन की जगह फौरन सूरह रहमान कह दिया। हाँ, और वो हार गए। तो इसे अब आराम से बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात उन्होंने की कि जरा तसल्ली, जब बजर दबा दिया तो फिर यू गेट टेक योर टाइम। फाइन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। मौलाना हसन रजा खान, बहुत मशहूर शख्सियत है मौलाना हसन रजा खान के नातिया, दीवान का नाम बताइए। आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान के भाई हैं ये हसन रजा खान, और इनका कलाम बहुत से नातवा पढ़ते भी हैं और यहाँ पे पेश भी किए जाते हैं। नहीं मालूम, मालूम है किसी ने बजर नहीं दबाया। टाइम इज अप। नाम जो है वो है ज़ौक़े नात, बहुत सिंपल सा नाम है ज़ौक़े नात।